Hello students, my name is Rahul Bhutani and I am a Maths Faculty at Concept Online Classes, COC Education Private Limited. So friends, today we are going to discuss COC's founder and accounts expert Santosh sir. So friends, you ask a lot of questions about sir's journey, why sir has closed live classes, why has he moved video classes, why has he moved on? We ask all questions from Santosh sir. Hello sir. Hello Rahul ji. Sir, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि आपने क्यों लाइव क्लासेस बंद करके वीडियो क्लासेस की ओर मूव ऑन किया. राहुल जी, ये सवाल जो आपने पूछा है, ये कई सारे बच्चे, इवन आप जब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे, कई सारे बच्चे पूछते हैं आप लाइव क्लास लेते हो नहीं लेते हो, अगर लेते हो तो कहाँ लेते हो आप, मुझे वहाँ पर आना है स्टडी करने के लिए. तो मैं आज बताना चाहता हूँ बच्चों, मेरी कहीं भी कोई भी लाइव क्लास नहीं चलती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वीडियो क्लास के थ्रू ही जुड़ा हुआ हूँ और इसी में जुड़ा रहूँगा. ये मैं आपको 100% की श्योरिटी देता हूँ. मेरी पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आयुष्म प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में, जहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लिया करता था. बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था और हज़ारों बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, और कुछ बच्चे जो दिल्ली के थे, कुछ बच्चे बाहर के, ऐसे प्रॉपर तरीके से हम लोग बच्चों पर काम करते थे. लेकिन लाइव क्लास से वीडियो क्लास में शिफ्ट होने के मेरे मेन दो रीज़न थे. पहला रीज़न बताता हूँ, मैं रियली जो बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ. पहला रीज़न मैं खुद था. एक्चुअली मैंने देखा हुआ है कि अपने आप को, कि कभी भी किसी एक जगह पे मैंने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया. मैं हमेशा एक्सपेंशन, हमेशा ग्रोथ लाइफ में चाहता हूँ. जहाँ पर मैं पढ़ाता था, जहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट था आयुष्म प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, एक हमारा एक बहुत अच्छा ब्रांड था. लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी टीम जो पढ़ाया करती थी उस समय, वो एक लिमिटेड बच्चों के पास जाती थी. लेकिन मैं अब अपने रीच को बढ़ाना चाहता था, मैं पूरे इंडिया में फैलना चाहता था. मैं चाहता था, मेरा एक सपना था कि हर एक बच्चा मुझे जाने. इवन जब कॉमर्स के अंदर जो बच्चा एंट्री करता है, तो चाहे वो कोई भी क्लास का बच्चा हो, मुझे जाने कम से कम कि संतोष सर एक हैं जो मुझे पढ़ाते हैं. इसी प्रोसेस में मैंने क्या किया, मैंने लाइव क्लास को बंद करके मैंने वीडियो क्लास में शिफ्ट किया. ये मेरा पहला रीज़न था जो मैं खुद ही हूँ. सेकेंड रीज़न क्या था बच्चों, कि जब हमारी लाइव क्लासेज वहाँ चलती थी, तो दिल्ली से बाहर के बच्चे, गाँव से, शहरों से उठ के आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए. बिलीव कीजिए, मैंने तो कई सारे बच्चों से बातें भी की हैं. किसी के मम्मी पापा ने अपने घर को बेचा था, किसी के ने खेत को बेचा था, किसी ने अपने पीएफ से पैसा निकाला था, और इस तरीके से पैसे निकाल के बच्चों को दिया करते थे वो पढ़ाने के लिए, कि बच्चों मेरे बेटा जाएगा वहाँ, पढ़ाई करेगा, बड़ा बनेगा, ये करेगा वो करेगा. मैंने देखा कि यार, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और बच्चे जो हैं यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं, इतने सारे कॉस्ट इन्वॉल्व करके, टाइम इन्वॉल्व करके, क्यों ना सेम क्वालिटी मैं उनके घर पे पहुँचाऊँ, जिससे जो ये लाखों में जो इनके पैसे बर्बाद होते हैं रहने में, खाने में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में, इनके जो टाइम बर्बाद होते हैं, मैंने उनको बचाने की कोशिश की. और वही क्वालिटी जो मेरे एक इंस्टीट्यूट के अंदर में लिमिटेड था, मैंने क्या किया, उसको एक्सपेंड किया, और इस वीडियो क्लास के माध्यम के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया ही नहीं राहुल जी, आज के टाइम पे इंडिया से बाहर के भी जो हिंदी भाषी देश हैं, वहाँ से हमारे बच्चे जुड़े हुए, और सभी बच्चे जानते हैं, वो हमारे से स्टडी कर रहे हैं, और दे आर वेरी सेटिस्फाइड आपके स्टूडेंट्स. आज के टाइम पे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उनको जो क्वालिटी एजुकेशन जो होता है, उनके घर में ही बैठ के उनके पास पहुँचे प्रॉपर तरीके से. तो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि क्यों सर आपने क्लास 11 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया. पहले आप सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री CA CMA CS के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, क्यों सर 11 12th पे आपको जाना जरूरी लगा. राहुल जी, इसका भी एक बड़ा अच्छा सा रीज़न है, और इसका मेन रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका मेन रीज़न मेरे बच्चे ही हैं. जब बच्चे CA CMA CS करने के लिए मेरे पास आते थे इंस्टीट्यूट के अंदर में, तो चाहे वो दिल्ली का बच्चा हो, चाहे दिल्ली के बाहर का बच्चा हो, मैंने एक चीज़ देखा था अकाउंट्स के अंदर में खासकर, कि बच्चों का जो बेस होता था, जिस पे पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है, जिस पे हमारे जो बड़े बड़े डिग्रीज होते हैं, वो ऑलमोस्ट बच्चे समझते हैं कि उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड करता है, ये अकाउंट्स का जो 11th 12th क्लास का कॉन्सेप्ट था, वो कम्प्लीट रट्टाफिकेशन था बच्चों के अंदर में. रटते थे चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे ये डिराइव हुआ, कैसे ये फॉर्मूलाज बना, कैसे ये कॉन्सेप्ट बना, उनके बारे में बच्चे मेहनत नहीं करते हैं. मैंने सोचा कि अगर मुझे सचमुच में अपनी मार्केट को अच्छी तरीके से बच्चों के बीच में पहुंचानी है, रिच बनाना है, तो ये CA CMA CS में जब बच्चा आए, उसके पहले मैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दूं.
11 12 क्लास जहाँ से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बच्चा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टडी करता है, कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें मैं कॉन्टिन्यूसली काम करता हूँ, जो बच्चे 11 12 क्लास के हैं, राहुल जी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी के टाइम पे जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है तो लगभग 2500 के करीब बच्चे हैं 11 12 क्लास के जो ऑल ओवर इंडिया में पूरा स्टडी कर रहे हैं। और मैं बिलीव कीजिए, मैंने आज तक कोई मार्केटिंग नहीं की है, ज़ीरो मार्केटिंग। आप हमारी टीम के पार्ट है, आप जानते हैं इस बात को, हमने आज तक कोई मार्केटिंग नहीं की है और 2500 से 3000 करीब बच्चे ऑल ओवर इंडिया में 11 12 क्लास के हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं। पूरे अगर हम कोर्स को मिला लें, CA, CMA, CS, BCom, 11 12th, तो लगभग 12,000-13,000 प्लस बच्चे अभी एक साल के अंदर में हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं। रीजन सिर्फ यही निकल के आ रहा है हमारा आपका 11 12 क्लास में शिफ्ट होने का, कि बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बच्चे कभी भी बड़ी डिग्रीज जो होते हैं उससे डरेंगे नहीं। ये जो डर पैदा होता ना कि यार मैं ये CA, CMA, CS कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सारा डर यहीं से शुरू होता है कि 11 12 क्लास में हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मुझे पढ़ाना ही है और बच्चों को सचमुच में CA, CMA, CS बनाना है तो मैं इनको स्टार्टिंग से बेस स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। और ये बच्चे जो 11 12 क्लास में मेरे साथ स्टडी करते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे पूरे तरीके से काम करते हैं, इनमें से कई सारे बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको पता होगा कि आज के टाइम पे वो अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या फिर उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रीज़न है राहुल जी अल्टीमेटली 11 12 क्लास स्टार्ट करने का। सर इसी के साथ एक और क्वेश्चन है सर, कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या वीडियो क्लासेस पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्या हमें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमें लाइव क्लास में मिलता है, क्या वैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिल पाएगा वीडियो क्लास में, क्या हम उतना समझ पाएंगे वीडियो क्लासेस जितना हम लाइव क्लास में समझ पाते हैं? राहुल जी इसका जवाब मेरे वो जो बच्चे हैं जो पूरे कोर्स को परचेज किए हैं और स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा आपको जवाब दे पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पे जब मैंने लाइव क्लास भी लिया हुआ है और वीडियो क्लास भी ले रहा हूं, दोनों में फ़र्क क्या मैं आपको बताता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। लाइव क्लास में जब मैं क्लास में जाता था जहां पे 400-500 बच्चे बैठे हुए हैं, वहां पे मैं पढ़ाना शुरू करता था, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब लाइव क्लास में मैं जाता हूं तो या कोई भी जाएगा तो उस समय जो उसके माइंड में चीज़ें आएंगी वही पढ़ाएगा। मैं अपनी बात करूं तो कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे 10 में कभी कभी ऐसा मैंने देखा हुआ है कि एक या दो कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाते थे क्योंकि उसमें माइंड में नहीं आता था ये बच्चों को पढ़ाना है। कुछ क्वेश्चंस जो लगते थे कि यार ये बच्चा खुद कर लेगा, हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कराते थे, बच्चा खुद कर लेगा ठीक है जी समझ में आता, नहीं तो डाउट पूछ लेगा। मैंने क्या किया कि जब मैं वीडियो क्लास में शिफ्ट हुआ तो मैंने पहले पूरी कोशिश की, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पे कि क्लास के अंदर में कोई डाउट ना क्रिएट होने दो। आपको आप खुद जानते हैं यहाँ के फैकल्टी हैं कि जब कोई क्लासेज में रिकॉर्ड करता हूँ उसके पहले पूरी उसकी स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है। इवन मेरे बच्चे भी जानते हैं इस बात को कि जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूँ तो उसका शुरू और उसका एंड होने के बीच में जितने भी डाउट्स बच्चों के हो सकते हैं, उनके बुक में जितने क्वेश्चंस हैं, उनके स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चंस हैं, सब कुछ मैंने कवर किए हुए। तो वीडियो क्लास का एक फ़ायदा जो मैं देखता हूं बच्चों के लिए कि जो भी लाइव क्लास के कॉन्सेप्ट हैं वो तो मैंने डाला ही डाला है, जिन क्वेश्चंस को मैं लाइव क्लास में नहीं कराता था कि बच्चे खुद कर लेंगे उनकी भी प्रैक्टिस में कराता हूं। और हाँ मुझे एक डर होता है कि अगर इतने सारे बच्चे हैं, अभी कॉन्टिन्यूसली हम लोग का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, कल को 20,000, 25,000, 30,000 बच्चे होंगे तो इतने सारे डाउट्स को मैं अकेले कैसे ले पाऊंगा। इसलिए मैंने क्लास में पूरी कोशिश की है कि बच्चों को डाउट उठने ही ना दूँ। जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है। और रियली मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ डाउट सेशन के लिए, मेरी पूरी टीम भी बैठती है डाउट सेशन के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में मुझे 20-30-40 बच्चों का ही फ़ोन आता है। और सबसे मज़े की बात है जो बच्चे फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, वो डाउट्स के लिए कम करते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर करने के लिए, सर मुझे स्कूल में ये चीज़ें हो रहा है, मुझे पढ़ने में ये डर लग रहा है, या फिर पापा मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, वो उनके बारे में बात करना चाहते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, मैं प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करता हूँ। आप एक भी सेकंड के लिए आपको फील नहीं होने देता हूँ, चाहे क्लास में चाहे डाउट सेशन में, कि आप उनसे दूर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को मैं इनके साथ आगे बढ़ाता हूँ। तो सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि
क्यों सर मैं लाइव क्लासेस को छोड़ूं कि वहाँ पे मैं सर टेस्ट दे पाता हूँ, मैं वहाँ पे असेस कर पाता हूँ अपने आप को, ये वीडियो क्लासेस के अंदर तो सर आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे, वहाँ पे मैं अपना असेसमेंट कैसे करूँगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ पा रहा हूँ, कितना अच्छा समझ पा रहा हूँ? राहुल जी, मैंने लाइव क्लास लिया हुआ है और मैं बड़े अच्छी टीम को मैं लीड भी करता था इसके अंदर में, और मैंने दोनों के घाटे फायदे देखे हुए हैं। जब मैं लाइव क्लास से वीडियो क्लास में शिफ्ट हुआ तो मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी फ़ायदे मेरे लाइव क्लास के बच्चों के थे उनको मैं वीडियो क्लास में डालूं। हमने एक प्रॉपर टीम बनाई हुई है, हमारे जो सी यू सी एजुकेशन के अंदर में एक टीम है जो बच्चों के ऊपर में उनके क्वेश्चन पेपर बनाना चैप्टर वाइज, आपके फुल कोर्स का, आपके एग्ज़ाम के पैटर्न का चैप्टर वाइज टेस्ट बनाना, उनका आंसर सजेस्टेड आंसर शेयर करना, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। और जो मेरे बच्चे परचेज, जो बच्चे क्लासेज जिन्होंने परचेज किया वो जानते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके साथ क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर शेयर करते हैं, उसमें कोई डाउट्स का मौका नहीं छोड़ते। अगर इनके कोई डाउट होता भी है तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता हूँ, डाउट सेशन के टाइम पे आप वो क्वेरी मुझसे रेज कर लेते हैं। इवन लाइव क्लास में जब मैं था तो उस टाइम पे ये टेस्ट लेना, ये जनरली मैं कभी कभी स्केप कर जाता था, मैंने हर एक आदमी करता है क्योंकि चलो जी पढ़ाने का बर्डन है, इतने सारे बच्चे हैं, कैसे टेस्ट लेंगे, कैसे चेक होगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो क्लास में हमारे पास क्या होता है कि बहुत टाइम हमारे लिए बचता है थिंकिंग करने के लिए, बच्चों के बारे में सोचने के लिए, और हम लोगों ने बिल्कुल प्लान्ड वे में इसके अंदर में एक टेस्ट सीरीज बनाना, उनका सजेस्टर शेयर करना, इसके ऊपर मैं काम किया हुआ है। तो बच्चे जानते हैं और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनको पता है कि किसी भी टाइम पे हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो टेस्ट सीरीज को लेकर हो, उनके आंसर शीट को लेकर हो, चाहे वो उनके कोर्स को लेकर हो, सबके बारे में। ग्रेट सर। सर इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये है कि सर कि बच्चों को अमेंडमेंट्स कैसे मिलेंगी सर, अपडेशन क्लासेस कैसे मिलेंगी? कोर्स पहुँच चुका है बच्चों के पास में, देखना शुरू हो गया, अब बच्चों के अपडेशन आ गई, कुछ चेंजेस हो गए सिलेबस के अंदर में, तो वो कैसे पहुँचाएंगे? रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है सर पहले ही, अब कैसे चेंजेस को हम बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं? राहुल जी, इसका भी बड़ा अच्छा सा जवाब मेरे पास है। एक तो मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपने रिकॉर्डिंग्स को चेंज करता हूँ, मुझे जहाँ भी लगता है कि थोड़े से अमेंडमेंट्स आए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ही चेंज कर दूँ और फुली अपडेटेड क्लास बच्चों के पास पहुँचाऊँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब मान लो कोई एग्जाम, जब वीडियो रिकॉर्ड हुआ और जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ समय का गैप होता है, तो रेयर केस में देखा गया कुछ बीच में अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस जब बच्चा कोई क्लास परचेज करता है हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और कोई भी अमेंडमेंट आता है या कुछ नए क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं तो वो हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं, बच्चा उसमें फुली अपडेट हो जाता है, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बच्चों के पास वो अपडेशन पहुंच जाता है और बच्चा फिर उसके साथ फिर कोई दिक्कत उसको फील नहीं करता। थैंक यू सर, आपने सब कुछ कवर कर दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चन सर आर्ट साइंस के स्टूडेंट्स के भी बचे हैं, वो पूछना चाहते हैं सर कि हम भी सी एस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी कॉमर्स प्रोफेशनल भी बन पाएँ, तो कैसे वो कर पाएंगे? 11th 12th में तो उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए हम कैसे हेल्प कर पाएंगे सर? राहुल जी, ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, इवन ऑफिस में बहुत सारे कॉल आते हैं कि मैं डिफरेंट ग्रुप से हूँ, या कुछ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं इवन उनको अकाउंट्स का ABCD नहीं पता, वो अकाउंट्स जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने क्या किया एक्चुअली कि हर एक ऐसा बच्चा जो आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड यानी कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसके मैंने एक बेसिक मॉड्यूल बनाया हुआ है। जब भी कोई बच्चा फुल कोर्स किसी सिलेबस का परचेज करता है जो कि वो आपके साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो पहले मैं उस बेसिक को बोलता हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। जब बच्चा वो बेसिक पढ़ता है तो आप बिलीव कीजिए जितनी कॉम्पिटेंसी एक कॉमर्स वाले बच्चों के अंदर होती है वही नॉन कॉमर्स वाले बच्चों के अंदर भी हो जाती है। एक्चुअली ये जो 3 डिग्री है CA CMA CS, इसमें बच्चा कहीं परेशान अगर होता है तो वो सिर्फ अकाउंटेंसी है, क्योंकि अकाउंटेंसी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 11th 12th क्लास से बेस मांगता है, बाकी किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो चाहे नॉन कॉमर्स का, सबके लिए बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है। तो वो बेसिक मॉडल जो एक तरीके से महामंत्र का काम करता है उसमें बच्चों को हमने प्रॉपर तरीके से हर एक चीज सिखाया है, ABCD ऑफ अकाउंटेंसी, और उसके बाद बच्चा क्या होता है बहुत तेज दौड़ लगाना शुरू करता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चाहे बच्चा वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, या किसी भी फील्ड का हो, वो कॉमर्स के लिए वो मास्टर बनने के लिए तैयार रहता है।
तो आई थिंक बच्चों आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, राइट? अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप हमें नीचे कमेंट करिए, हम सर से पूछ के उनका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो सीओसी को फॉर्म करने का शायद यही रीज़न रहा है कि बच्चों को कॉस्ट इफ़ेक्टिव, टाइम कम लगा के अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, अपने घर पे बैठ के पढ़ सके, ट्रैवल का टाइम ना लगे, उनको पीजी में शिफ्ट ना होना पड़े, हॉस्टल में शिफ्ट ना होना पड़े, यही एक मकसद था। और घर बैठे बैठे लाइब्रेरी में बैठ के आप वही एजुकेशन पा सके और किसी भी टाइम जोन में पढ़ सके। सो हम मेहनत करते रहेंगे एज अ टीम और करते भी हैं दोस्तों, हम मेहनत करते हैं कि आप लोगों को हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें, हम बच्चों को अलग अलग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीडियोज़ प्रोवाइड करें ताकि वो बेस्ट प्रोफेशनल बन सके। सीओसी का यही मकसद है दोस्तों। हाँ राहुल जी, आपने ठीक बोला, मुझे एक बात बतानी थी कि एक्चुअली जो मेरे वीडियो क्लास के बच्चे हैं, मैंने हम लोगों ने पूरी टीम ने, आप जानते इस बात को, हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ उनके जो स्टडी है उस पर ही फोकस करने के बजाय हमने उनकी पूरी पर्सनालिटी पे हम लोग काम करते हैं। जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, डिफरेंट पर्सनालिटी को बुलाना, डिफरेंट तरीके से आपका इंटरव्यू सेशन होना, आपकी पर्सनालिटी कैसे काम करेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सब कुछ हम बच्चों से शेयर करते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चा जब वो अपने लाइफ के बारे में सोचता है तो इन वीडियोज़ के बाद उसको पता होता है कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों पर भी वर्क करना है और ऐसे ऐसे वर्क करना है। हम उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम उनको गाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि हमने बच्चों के अंदर में जो ओवरऑल क्वालिटी होती है, ओवरऑल जो आपका उनका जो ग्रोथ होता है, हम उस पर प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। राहुल जी, तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया है सीओसी के बारे में एंड वीडियो क्लासेस का पर्पज़ क्या रहा है। सो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, राइट? आई अश्योर यू सीओसी विल मेक यू द बेस्ट प्रोफेशनल। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए सीओसी के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है तो नीचे जो कम आपको नंबर्स दिख रहे हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं या आप साइट पे विजिट कर सकते हैं www.conceptonlineclasses.com की। और आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रॉम सीओसी।